मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध करके बोलिएगा हमारे साथ, अगर मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिएगा। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजवंश समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजवंश समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय स्वर्गे, जय स्वर्गे, जय स्वर्गे, जय स्वर्गे। बैठने वाली को विराम देता हूँ। टाइगर बजाना तो अकेले मत आना मेरे भाई, अपने साथ कम से कम 50 नौजवानों को लेकर के आना, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे अपने हिस्से के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, अपनी नौकरी रोजगार के प्रति, तब तक ये बेईमान आपको आपका हिस्सा देने वाले नहीं है। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत? जोर से बोलिए सही कि गलत। तो कितने लोग सही का साथ देंगे, जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। घबरा तो ना हुआ सब लोग? अरे यार, जब जब हाथ उठावत हुआ तब विरोधी का छाती फटने लगा था। जब जब आप हाथ उठा रहे हैं, शाम तक देखिएगा क्या दृश्य होता है। इससे मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम सबके नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं और हम सबको अपने नेताजी के साथ चलना है। हमारे नेता का जो आदेश, जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा, और जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ना कहते तब तक किसी के रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए अपने नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्या विपक्ष आज सारे लोगों को नींद नहीं आएगा कि ओम प्रकाश राज बने जो जन सैलाब सीतामढ़ी ने इकट्ठा किया, उतना जन सैलाब किसी की क्षमता नहीं है। कितने ज्यादा तादाद में किसी महिलाओं को इकट्ठा कर दे। नौजवान भाइयों, अरे आपको कमर कसना होगा, अरे साबित करना होगा, अगर देश में प्रदेश में हमने है तो बताओ हम हमें तो हिस्सा मिलने के चाहे कि ना मिलने के चाहे, बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। राजा सुहेलदेव राजभर जी कहा करते थे, अगर मांगने से ना मिले तो छीनने का काम करो। और नौजवान भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। मैं विरोधियों को बताना चाहूंगा, जो हमारे नेता की ताकत पर आशंका जताने का काम किया है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग बसो आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग बसो आग जलनी चाहिए। ये बताओ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ जाए कि न लड़ जाए। इतने तादाद में महिलाएं आई है, उत्तर प्रदेश में हम लोग चाहते हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बंद होना चाहिए। हम भी चाहते हैं बिहार में नाम मात्र का शराब बंद है, कानून बनाना चाहिए। हम लोग तो बात करते हैं कानून बनाने की, कि जो भी शराब पीता है उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर दारू बेचते हुए कोई पाया गया तो सीधे उसको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा और आजीवन जमानत नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में तो नाम मात्र का शराब बंद है, नाम मात्र का शराब बंद है। एक रजवार समाज का लड़का बोल रहा था यूट्यूब पर आकर के, कि जो लोग कहते हैं कि शराब बंद बिहार में, यहाँ के लोग कहते हैं वही मुटका मुटका चैन पहन के टहल रहे हैं। नौजवान भाइयों, माताओं और बहनों, आपका हक साधिकार तभी मिलेगा जब बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद होगा, तभी जाकर के 2000 रुपया पेंशन प्राप्त होगा और आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। हम लोग आ रहे थे, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे ज्यादा देश में अगर आईएएस और आईपीएस है तो बिहार के रहने वाले हैं। और बिहार की दुर्दशा क्या है साथियों, बिहार की दुर्दशा क्या है? आज मुंबई की फैक्ट्री बिहार का मजदूर चलाता है, गुजरात की फैक्ट्री बिहार का मजदूर चलाता है, पंजाब की फैक्ट्री बिहार का मजदूर चलाता है। इसी बात की तो लड़ाई है। अगर बिहार का नौजवान गुजरात पंजाब महाराष्ट्र की फैक्ट्री चला सकता है
व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि महाराष्ट्र का व्यक्ति बिहार में आके कल कारखाना लगावे और यहाँ के नौजवानों को यही रोजगार मिले। हम क्यों जाएंगे गुलामी करने? हमारा बिहार का युवा जाता है पंजाब को पंजाबी मारता है, हमारा बिहार का युवा जाता है गुजरात को गुजराती मारता है, हमारा बिहार का नौजवान जाता है महाराष्ट्र को महाराष्ट्री मारता है। अरे जरा पूछो अपने माँ से, जब दीपावली और होली आता है तो जब आपका बेटा आपके बीच में नहीं आ पाता है कितना कष्ट होता है। बताओ, लड़ाई इसी बात की है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश का नौजवान देश की आर्थिक स्थिति को सही कर सकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कल कारखाने को धंधे लगने चाहिए और बिहार के नौजवानों को यही रोजगार मिलना चाहिए। साथियों, इस बात की लड़ाई हमारी है। आज लोग आपसे पूछते हैं कि कितनी संख्या में है लोग, तो मैं बताना चाहता हूँ, अरे कान खोल के सुन लीजिए कि बिहार प्रदेश में ये राजभर रजवार राजवंशी समाज के लोग 1,32,86,270 की संख्या में रहते हैं। ये मेरे पास करना है। क्या बात कर रहे हो? अभी मैं 4-5 दिन पहले से यहाँ बड़े नेता से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, जो हिस्सेदारी भागीदारी है वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। तो बड़ा नेता कह रहा था, अरे आपका यहाँ पर क्या है, बनाया है वीडियो भेज दिया है। हमने कहा जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है, और जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास, हमको छीन के हम कहेंगे और मांगने का काम नहीं करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक आपसे अनुरोध करूंगा नौजवान भाइयों, ये बताओ बिहार में भी अपनी सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि अपनी सरकार बने, अपना विधायक और सांसद बने? जरा हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ नीचे करिए नौजवान साथियों। ये हमारे बस पर खड़े हुए हमारे युवा साथी, बस पर खड़े हमारे युवा साथी, अरे रखो अपने अंदर एक आग, उस आग को पैदा करो और पैदा करके बताओ हम लोग झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम ऐसे वंशज, ऐसे नागा के वंशज हैं जिन्होंने अपने 48 किलो की तलवार से 2.5 लाख लोगों का गर्दन काटने का काम किया था। ऐसे राजा के हम लोग वंशज। इससे साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप यहां से जाइएगा गांव, जाने के बाद नौजवान साथियों याद रखना, पूरे बिहार में कहीं भी रैली हो बढ़ करके हिस्सा लेना, और हिस्सा लेते समय बताना सबको कि अब हम लोग भी अपना कदम पीछे हटाने वाले नहीं है। बताओ पीछे हटोगे? जोर से बोलिए। ये बेईमान कहते हैं कि वोट का समय आएगा तो हम दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, पैसा बांटेंगे। अरे तुम्हारा पैसा अपने पास रखना, ये हमारा समाज दारू मुर्गा पैसा पर बिकने वाला नहीं है। इन्हीं जन शब्दों के साथ फिर मैं कभी आपसे मुझे मिलूंगा, मैं आऊंगा और सारी बातें होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मित्र, अगली बार से जब भी नौजवान साथियों रैली में आना तो अकेले मत आना मेरे भाई, अकेले मत आना, जाकर के बताना नौजवान साथियों को, अरे शेर आया हुआ है बिहार की धरती पर, कहा गया आप ही ने नारा लगाया था, देखो देखो कौन आया, आपने ही नारा लगाया है, देखो देखो कौन आया, तो आप ही लोग कह रहे थे शेर आया। जब शेर आ गया है तो फिर डरने की क्या बात है? इन बातों के साथ अंतिम बात कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। कहना भी चाहते हैं कि जिस नारी को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है, आखिर ये नारी है क्या? तो ये नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा नया इतिहास है। मेरा तन और मस्तक दोनों समर्पित नारी को मेरा प्रणाम। विराजमान हम सबके नेता, हम सबके अग्रज, करोड़ों लोगों की आवाज माननीय नेता जी के साथ साथ सभी नेतागण का मैं इस 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आज ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, और न ही मैं अपना ज्यादा समय दूंगा, बस नौजवान साथियों एक बात मेरे मन में है। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, यहाँ के वीडियो, एक वीडियो में बिहार का देख रहा था, और बिहार का कोई नौजवान इस पीले गमछे का पर आपत्ति जता रहा था, कह रहा था एक नेता ओम प्रकाश राजभर है वहां करके कहता है बिहार में कि राजभर समाज करोड़ों की संख्या में रहता है, लेकिन वो लड़का बता रहा था कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे
साथियों आज नौजवान भाई यहाँ पर आए हुए हो, कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लिया। ये नाम लेना इस बात की गवाही देता है, जो लोग आपसे आपके औकात आपकी हैसियत पूछते हैं, ऐसे लोगों को बताने का काम करो। जब इस देश के अधिक से अधिक राजा हार चुके थे, तब इस देश को बचाने का काम किसने किया था? कई राजभर रजवा राजवंशी समाज के लोगों ने किया था। साथियों उनको बताने का काम करो। अरे अगर राजतंत्र होता, अगर ये राजतंत्र होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये राजतंत्र होता तो बिहार में राजभर रजवा का शासन होता, किसी दूसरे का शासन नहीं होता। साथियों अगर राजतंत्र होता तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट में होती है। उस समय जब ये देश गुलाम था, जब इस देश पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया था, तो इन माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए राजभर राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 48 किलो की तलवार उठाया था। और आज जब माने ओम प्रकाश राजभर आपके हितों आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपसे झंडा उठाने की बात कह रहा है, तो हमारा नौजवान कह रहा है, नौजवान भाइयों एक बात समझो, आज यहाँ पर हमको इस बात को कहने पर विवश होना पड़ रहा है। अरे लोग आपसे आपके औकात पूछने का काम कर रहे हैं, तो मैं बताने आया हुआ हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर राजभर रजवा राजवंशी रहता है, अरे मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है साथियों, बिहार देश में खाली राजभर रजवा राजवंशी एक साथ खड़ा हो जाए तो हमारी सरकार बिहार में होगी, बाकी किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। क्या बात करते हो, हम आज इस बात को जरूर कहना चाहेंगे। माताओं बहनों यहाँ पर नौजवान साथियों 5 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, 5 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 90 साल का बुजुर्ग भी है, यहाँ पर 40 साल का व्यक्ति भी है, यहाँ पर 25 साल का नौजवान भी है, यहाँ पर 12 साल का बच्चा भी है, और माँ के गोद में बैठा हुआ सोया हुआ एक 2 महीने का लड़का भी है। साथियों 5 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, और साथियों इतिहास गवाह है, जब 3 पीढ़ी के लोग एक साथ खड़ा होकर के संघर्ष करने का काम करे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना चालू कर देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। साथियों इसका मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नौजवान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, ये बदले का काम ना करो। अरे देखो उत्तर प्रदेश में जलवा मचा के रखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है, किसी गरीब को कोई प्रताड़ित कर दे, उत्तर प्रदेश में किसी की क्षमता नहीं है कि कोई ओम प्रकाश राजभर की ताकत को कम कर दे, उसी ताकत को यहाँ बढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए हैं।